नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिनभर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,65,700 के पार निकल गई। उधर अब 4 महीने पहले इन 230 ट्रेनों में करा सकते हैं एडवांस में टिकट बुक। उधर दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों ने अभी तक नहीं उठाया मजदूरों के लिए राशन। 15 जुलाई तक लिस्ट देने की अपील। उधर स्पेशल ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग होगी शुरू। जानिए इससे जुड़ी बड़ी बातें। उधर अगले महीने से महंगा हो जाएगा गाड़ी चलाना और पकाना। उधर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दी मंदिर और मस्जिद खोलने की इजाजत। 8 जून से खुलेंगे सभी संस्थान। उधर लॉकडाउन 5.0 में मिल सकती है ज्यादा छूट। जाने किस पर रहेगा बैन और किसे खोलना चाहते हैं राज्य। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई, जिसमें से 4,706 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक 71,105 मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने शुरू की तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा। 4 महीने पहले इन 230 ट्रेनों में करा सकते हैं एडवांस में टिकट बुक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 30 विशेष राजधानी ट्रेनों और 200 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षण नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एडवांस रिजर्वेशन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन यानी 4 महीने कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा जारी एक सर्कुलर के मुताबिक संशोधनों को ट्रेन बुकिंग की तारीख 31 मई की सुबह 8 बजे से लागू होगा। आपको बता दें कि इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। अन्य शर्तें जैसे वर्तमान बुकिंग, सड़क किनारे के स्टेशनों के लिए तत्काल टिकट का आवंटन आदि जैसे नियमित समय पर चलने वाली ट्रेनों वैसे ही रहेंगे। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों ने अभी तक नहीं उठाया मजदूरों के लिए राशन। 15 जुलाई तक लिस्ट देने की अपील। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी में केंद्र की तरफ से गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के बावजूद राज्य सरकार वितरण को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। मई लगभग बीत चुका है और कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस महीने के लिए किसी भी लाभार्थी को कोई भी अनाज वितरण नहीं किया। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वितरण तो दूर, दिल्ली, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने अनाज उठाया तक नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 8 करोड़ लोग जिनके पास केंद्र या फिर राज्य सरकार का कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 2 माह मई जून के लिए 5 किलो गेहूं या चावल व 1 किलो चना मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। पर पूरा मई गुजर गया कि अभी तक प्रदेशों ने इस अनाज को उठाया नहीं है। आपको बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय के 28 मई के आंकड़ों के मुताबिक असम, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित कई राज्यों ने अभी अनाज का उठाव नहीं किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग सभी राज्यों ने आवंटित अनाज उठा लिया है। अधिकतर राज्यों ने अप्रैल का वितरण भी कर दिया है, पर कई राज्यों ने मई का वितरण नहीं किया। पासवान कहते हैं कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल ने मई का अनाज अभी तक बांटना शुरू नहीं किया। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और उड़ीसा ने 90% से अधिक वितरण कर दिया है। हालांकि दाल के वितरण में यह राज्य भी पीछे हैं। वह अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दी मंदिर और मस्जिद खोलने की इजाजत। 8 जून से खुलेंगे सभी संस्थान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में लॉकडाउन का 4था चरण जारी है, जिसकी मियाद 31 मई को खत्म होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 1 जून से धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, लेकिन बड़े धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे 1 जून से खोले जाएंगे, लेकिन यहां एक बार में 10 से अधिक लोगों को इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में 8 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को पूरे तरीके से छूट दे दी है। आपको बता दें कि इन पर अब किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 5.0 में मिल सकती है ज्यादा छूट। जाने किस पर रहेगा बैन और किसे खोलना चाहते हैं राज्य। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन का 4था चरण 31 मई को समाप्त होगा। इसके बाद ज्यादातर राज्य सरकारें सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही प्रतिबंध लगाना चाहती हैं। अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो फिर राज्य सरकारें पहले के मुकाबले ज्यादा
बाजार खोलने, एक राज्य से दूसरे राज्य तक परिवहन की सुविधा को उपलब्ध कराने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धार्मिक जगहों को खोलने जैसे फैसले पर विचार कर सकती हैं। वहीं राज्य महीने भर के भीतर स्कूलों को भी फिर से खोलना चाहते हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र ने राज्यों को मामलों की गंभीरता के आधार पर जोन का सीमांकन करने का भी अधिकार दे दिया है। आपको बता दें कि और व्यापक दिशा निर्देशों के तहत राज्यों को अनुमति दी हुई है कि वे एक सीमा तक अपने नियमों को लागू करें। कई राज्यों ने अपने यहां पर निजी परिवहन को फिर से शुरू करने की अनुमति भी दे दी है। वहीं कईयों ने दुकानें और औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया है। आपको बता दें कि वहीं इस बीच केंद्र ने घरेलू उड़ानों के संचालन को भी फिर से शुरू किया है, लेकिन अब पूरा फोकस अगले चरण के लॉकडाउन पर होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वह दुकानों को सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दे सकती है। आपको बता दें कि उधर जम्मू और कश्मीर में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज और जिम को छोड़कर बाकी सभी चीजों की अनुमति दी जा सकती है। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि उनसे कई धार्मिक नेताओं ने चर्च और मस्जिद और मंदिर खोलने की अनुमति देने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ सकता है। राजस्थान में लॉकडाउन केवल 2 श्रेणियों, कर्फ्यू और नॉन कर्फ्यू जोन में सिमट सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि नॉन कर्फ्यू जोन में लगभग सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही लोगों की आवाजाही के घंटे भी पहले के मुकाबले 2 घंटे बढ़ाकर अब सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को कहा कि वह अगले फेज के लॉकडाउन को लेकर केंद्र के फैसले का इंतजार करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को कहा कि राज्य में सभी स्कूल 1 जुलाई से खोले जाएंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे कुछ राज्यों के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें लॉकडाउन 5.0 पर निर्णय लेना बाकी है। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश चंद्र ने कहा कि इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य ने पहले ही पूरे देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी है। देखना होगा कि 31 मई के बाद केंद्र द्वारा इनमें से किन गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। तो अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, देश को इंडिया के नाम से नहीं बल्कि भारत या फिर हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह मांग की गई है कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत या फिर हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया जाए। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और अब 2 जून को इस पर सुनवाई होगी। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं। आपको बता दें कि याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत या फिर हिंदुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर मॉल में दुकानें खोलने पर जल्द होगा निर्णय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर गौर करने के बाद मॉल में दुकानें खोले जाने के बारे में निर्णय जल्द लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों में छूट के बाद भी खुदरा कारोबारियों को हो रही कठिनाइयों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं का अंतर किए बिना ज्यादातर दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करने के बाद मॉल के अंदर अन्य दुकानों को खोलने के बारे में जल्दी ही निर्णय किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और CNG की होम डिलीवरी करना चाहती है सरकार, एक ही पंप से सभी ईंधन की बिक्री पर चल रहा विचार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डीजल की होम डिलीवरी के बाद अब सरकार पेट्रोल और CNG की भी होम डिलीवरी करना चाहती है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ऐसा करना चाहती है। शुक्रवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार एक नए रिटेलिंग मॉडल लाने पर भी विचार कर रही है जिससे सभी तरह के ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG, LNG और LPG एक ही स्थान पर मिल जाएं। आपको बता दें कि 11 राज्यों में 56 नए CNG स्टेशन का उद्घाटन करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार मोबाइल डीजल डिस्पेंसर की शुरुआत पहले ही कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार इसका विस्तार करते हुए पेट्रोल और डीजल के लिए भी यह सुविधा लाना चाहती है। प्रधान ने कहा कि लोग भविष्य में ईंधन की आपूर्ति अपने घर पर ही प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि भविष्य में लोग ईंधनों की होम
डिलीवरी पाने में सक्षम हो जाएंगे। सरकार ऊर्जा की दक्षता, किफायती दर, सुरक्षा और उपलब्धता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्राहकों को सभी तरह के ईंधन के लिए अब एक ही जगह पर जाना होगा। पेट्रोल, डीजल, CNG, LNG और LPG सभी तरह के ईंधन अब एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम वर्षा जारी रहेगी। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और इससे सटे मध्य भारत में तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।